कमजोरी हटाकर देर तक चलना चाहिए या देर तक टिकना चाहिए, उसका क्या तरीका है? ऐसे सवाल आते रहते हैं, क्योंकि लोग क्या है कि सिल्डनाफिल, टाडालाफिल, मतलब वायग्रा खाते रहते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स है। तो फिर उससे बचने के लिए भाई क्या उपचार है, घरेलू उपचार क्या है, खाने में क्या करना चाहिए, ऐसा लोग पूछते रहते हैं। तो उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। पिछले 41 साल से महाराष्ट्र अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लंबे समय तक टिकना चाहिए ऐसा लोगों को लगता है। और लंबा समय मतलब क्या है, लोग देखते हैं पॉर्न वीडियो, पॉर्न वीडियो में आधा आधा एक एक घंटा लोग सेक्स कर रहे हैं, उनको लगता है कि भाई अपन ने भी उतना टिकना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। दोनों पार्टनर की पूर्ति, समाधान ऑर्गेजम, ये होना जरूरी है। दोनों की भी खुशी आ गई, दोनों को समाधान हो गया, दोनों को ऑर्गेजम हो गया, तो वो सही टाइम है। नहीं तो एक का हुआ एक का नहीं हुआ तो वो सही टाइम नहीं है। बाकी घंटे मत कैलकुलेट करो। तो फिर उसके लिए क्या करना है कि भाई ज़्यादा समय तक कठोरता टिकना चाहिए, तो उसके लिए आप खाने में आज से ये बदल करो कि आप प्रोटीन लेना चालू करो, हाई प्रोटीन डाइट। और हाई प्रोटीन डाइट से फ़ायदा ये होता है कि हल्का फील होता है, लिथार्जी नहीं आती, पेट भरा हुआ नहीं लगता। और हाई प्रोटीन में यदि आप नॉनवेज है तो आपने फिश, मटन, चिकन और अंडा, ऑमलेट खा सकते हैं, अंडा बॉईल करके खा सकते हैं। और यदि आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर खाओ, एकदम आसान तरीका ज़्यादा प्रोटीन खाने का, पनीर खाते हैं तो आपको बहुत अच्छे प्रोटीन्स मिल जाएंगे। मैग्नीशियम, जिंक, मल्टीविटामिन युक्त डाइट आपने लेना चाहिए, और मैंने काफ़ी अलग अलग वीडियोज़ में बताया हुआ है। जिंक जो है ना, स्पेशली टेस्टोस्टेरॉन मतलब सेक्स हार्मोन के लिए बहुत अच्छा है। मैग्नीशियम, सिलेनियम, ये भी बहुत फायदेमंद है। तो ये आप खाते हो तो बहुत फायदा है। इसके साथ साथ आपने देखना है कि भाई आपको DHA, ये जो फैटी एसिड है, मतलब 3-ओमेगा फैटी एसिड का एक प्रकार है, तो ये खाने में रहना बहुत ही जरूरी है, DHA फैटी एसिड। और ये DHA फैटी एसिड यदि कम है तो उसका असर शुक्राणु के ऊपर पड़ता है, शुक्राणु की संख्या कम होती है, उनका चलन वलन जो है मतलब वहन, वो कम हो जाता है, क्वालिटी कम हो जाती है, मात्रा कम होती है। तो इसलिए DHA जो है ये ओमेगा 3 फैटी एसिड है, और ये रेगुलरली लेना जरूरी है। 500 मिलीग्राम की गोली है ये हमारे पास में। मैं जब प्रिस्क्राइब करता हूँ तो ये डेफिनेटली अवश्य मैं देते रहता हूँ कि भाई आपको ये मिलना चाहिए, उसमें 3 ओमेगा 3 फैटी एसिड। और आपको ये नेचुरल लेना है ये, तो आपने नट्स, सीड्स, सोयाबीन ऑयल और फिश, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा, तो आप ये ले सकते हैं और आपको मतलब तंदुरुस्त खुद रख सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज करना, पानी पीना, हेल्दी डाइट, नींद लेना, वो तो करना ही जरूरी है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।